बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहानहू ताला। यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 6 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। आई होप यू हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क एंड डिड प्रैक्टिस आल्सो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 2.1 in Iqra Mathematics book 2. So please open your page number 37. Page number 37. This is page number 37. And start question number 2. And the question number 2 is, give the missing factors of the following. Missing factors, बच्चों अब हमने इस question में बताने हैं कि missing factors यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं. Let start from part number 1. 24 equality sign है, आप prep 6 book 1 में पढ़ चुके हैं, this is equal sign. 12 multiply box है, यानी कि बच्चों यहाँ पे आपके पास 24 आंसर गिवन है कि 12 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 24। तो इसका इजी वे ये है कि आप 24 को 12 पे डिवाइड कर लें। आपको डिवाइड का मेथड आता है, रफ पेज लीजिए, रफ कॉपी ले लेते हैं। 24 को हम 24 and 12। अब 12 का टेबल आपको नहीं आता, हमने मल्टीप्लाई वाला मेथड किया हुआ था, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। 12 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमारे पास आता है। अब 12 को नेक्स्ट डिजिट 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। हमारे पास 24 है और ये किससे गया, 2 से, तो 2 12 2 ज़ा 24, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो क्या आंसर आया बच्चों, 2। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 2 12 2 ज़ा 24। नेक्स्ट है 25 को, ये तो अब 5 का टेबल तो आपको इजीली आता है कि 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 25 आ जाता है। वेरी गुड, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 39। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो आपके पास 39 आ जाएगा। तो हमें 3 का टेबल तो आता है लेकिन ये नहीं पता, क्योंकि आपने 3 10 ज़ा 30 तक पढ़ते हो। अब 39 का हमारे लिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम अगेन ऐसे ही मेथड यूज़ करते हैं। 39 हम डिविडेंड ले लेते हैं और 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, माइनस कीजिए 0, 9 राइट करेंगे, 3 कितने टाइम्स, 3 ज़ा 9, सो द आंसर इज 0। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, 13, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13, यानी 3 13 ज़ा 39। नेक्स्ट है बच्चों 42, टेबल है 6 का, यानी 6 के टेबल में हम किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 6 का टेबल ऑलरेडी आपको आता है, ये सिंपल सा है। 42, 6 कितने टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करूँ तो वो 42 आता है, 6। वेरी गुड, 6 7 ज़ा 42 होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है 54, टेबल किससे है हमारा, 9 का टेबल है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, यानी कहाँ तक मैं 9 का टेबल रीड करूँ तो वो आंसर आ जाए 54। 9 जी आपको टेबल मेमोराइज है, और साथ साथ बच्चों आप टेबल घर में ज़रूर रिवाइज करें, अपने घर में अपने बड़े को ज़रूर सुनाएं। 9 6 ज़ा 54, वेरी गुड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, पार्ट नंबर 6 60। 10 का टेबल तो बहुत ही आसान होता है, हमने 60 आंसर है हमारा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज 60। 10, वेरी गुड, 6 ज़ा 60। नेक्स्ट है 68, फिर हमारे लिए 17 का टेबल नहीं आता, तो हम 68 को 17 पे डिवीजन वाला मेथड रूल अप्लाई करते हैं। 68 हम डिविडेंड डिवाइड किससे करना है, 17 से, 17 इज़ डिवाइजर।
अब सेकंड है कि हमें 17 का टेबल भी नहीं आता, तो हम स्टार्ट करते हैं 17 वन ज़ा 17, 2 से करते हैं 17, 2 सेवन ज़ा 14, 1 कैरी, 2 वन ज़ा 2, 1 प्लस करें 3, 34, ये भी नहीं है क्योंकि हमारे पास 68 है। 17 थ्री ज़ा 3, 7 ज़ा 21, 21 का हम क्या राइट करेंगे 1 एंड 2 इज़ कैरी, 3 वन ज़ा 3, 3 में 2 प्लस करें दिस इज़ 5, वेरी गुड। 17 ये भी नहीं, 51 भी छोटा है, 68 हमें चाहिए। नेक्स्ट 4 से करते हैं, 4 सेवन ज़ा 28, 28 का हम क्या राइट करेंगे 8 एंड 2 इज़ कैरी, 4 वन ज़ा 4, 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6, 68। तो कितने टाइम्स किया 17, 4 टाइम्स, तो 4 68 माइनस किया 0 एंड 0, सो द आंसर इज़ 4। हम यहाँ क्या राइट करेंगे 4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 70 है और 14 मल्टीप्लाई डैश, यानी मिसिंग टर्म हमें नहीं पता, 14 का टेबल भी नहीं आता एज़ यूजुअल, जैसे हमने अभी प्रीवियस पार्ट किए हैं इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। 70 को हम डिविडेंड ले लेते हैं, 14 हमारा डिवाइज़र है, तो 14 वन ज़ा 14, 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 2, 4 ज़ार 8, 2 वन ज़ार 2, 14 3 ज़ार 3, 4 ज़ार 12, 12 का मैं 2 राइट करूँगी, 1 इज़ कैरी, 3 वन ज़ार 3 प्लस 1 4, 14 को 4 से, 4 4 ज़ार 16, 16 का 6 एंड 1 इज़ कैरी, 4 वन ज़ार 4 एंड 5 56। नेक्स्ट चेक करते हैं, 14 6 ज़ार 6, 4 ज़ा 24, 4 एंड 2 इज़ कैरी, 6 वन ज़ा 6, 7, 8। ओके 84 के बाद बेटा हमने 6 कर लिया है, 5 मिस कर दिया, तो 5 मैं यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ। 14 को 5 से भी चेक कर लेते हैं, 5, 4 ज़ा 20, 0 एंड 2 कैरी, 5 वन ज़ा 5, 6, 7, तो हमारा 5 से 70 कंप्लीट हो गया, ठीक। तो 14 5 ज़ा 70, 0 एंड 0, सो द आंसर इज़ 5। तो हम यहाँ राइट करेंगे 5 जो हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 84 है। अब 7 का टेबल, आपने 7 10 ज़ा 70 पढ़ा है, लेकिन ये 84 ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो हम 7 को 84 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, 84 हमारा डिविडेंड एंड 7 इज़ डिवाइज़र, 8 है यहाँ, ग्रेटर है ये स्मॉलर, तो 1 टाइम लेके जाते हैं, 7 वन ज़ा 7, 8 माइनस 7 इज़ 1 एंड 4, तो 7 2 ज़ा 14 एंड द आंसर इज़ 12। तो अब यहाँ हम क्या राइट करेंगे 12। नेक्स्ट है हमारे पास 90 एंड 15, 90 डिविडेंड 15 डिवाइज़र। अब हमें 15 का टेबल भी नहीं आता, तो हम ऐसे ही डिवाइड करके चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 90 एंड 15, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप जी, 15 का टेबल, 15 वन ज़ा 15, 15 2 5 ज़ा 10, 0, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड कीजिए तो 3, 30 हो गया। 15 को 3 से चेक करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 एंड 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, 4, 45, ये भी नहीं है। 15 को 4 से चेक कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 20, 0 एंड 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6, 60। नेक्स्ट 15 को 5 से चेक करते हैं, 5 5 ज़ार 25, 5 एंड 2 कैरी, 5 वन ज़ार 5, 2 ऐड करें तो ये हो गया 75। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 15 को 6 से, 6 5 ज़ार 30, 0, 3 कैरी, 6 वन ज़ार 6, 6 में 3 ऐड करें दिस इज़ 90। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, 90 ही चाहिए था, तो कितने टाइम्स 15,
सिक्स ज़ा 90, तो हम यहाँ 6 राइट कर देंगे और यहाँ पे 90, माइनस कीजिए 0 एंड 0, आंसर इज़ 6। हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 6, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 11। अब बच्चों पार्ट नंबर 11 से लेकर पार्ट नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ये पार्ट्स अब आपने खुद करने हैं इसी टेक्स्ट बुक पे, इकरा मैथमेटिक्स बुक में आपने ये पार्ट्स होमवर्क में खुद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर कुछ समझ नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। दीज पार्ट्स आर योर होमवर्क, ओके। नोट डाउन योर डायरी, दिस इज़ योर डायरी, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 11 to 20 इज़ योर होमवर्क। नोट डाउन इट, टेक केयर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।